अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एलराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रधाला ओवर ब्रिज के नीचे, सिवान। सिवान के जीबी नगर थाना पुलिस की मुस्तैदी से एमएलसी चुनाव का वोट नहीं दे सका आरोपी मुखिया कमलेश सिंह। एसपी श्री शैलेश कुमार सिन्हा के दिशा निर्देश के आलोक में जीबी नगर थाना पुलिस प्रखंड मुख्यालय से लेकर बाजार में थी तैनात। पुलिस की तैनाती की भनक लगते ही मुखिया हुआ भूमिगत। पुलिस तैनाती को लेकर प्रखंड मुख्यालय से पूरे बाजार में रही अफरा तफरी का माहौल। सोमवार को सिवान में एमएलसी चुनाव के मद्देनजर पचरुकी प्रखंड मुख्यालय पर उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम रहा कि जब सिवान जिले के जीबी नगर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर श्री अखिलेश कुमार, अवर निरीक्षक श्री मनोरंजन कुमार दलबल के साथ मतदान केंद्र से लेकर पूरे बाजार का गश्त लगाने लगे। बता दें कि जिले के जीबी नगर थाना पुलिस जो सिवान एसपी श्री शैलेश कुमार सिन्हा के दिशा निर्देश के आलोक में एक्शन मोड में थी। पचरुकी प्रखंड मुख्यालय से लेकर बाजार में लगातार हो रही पुलिस गश्त से लोग हैरान थे कि आखिर जीबी नगर थाना पुलिस एमएलसी चुनाव के दरमियान इतना बेचैन क्यों है। बाद में पता चला कि जीबी नगर थाना क्षेत्र व पचरुकी प्रखंड के शंभोपुर पंचायत के मुखिया अजय सिंह उर्फ कमलेश सिंह को एसपी श्री शैलेश कुमार सिन्हा के दिशा निर्देश के आलोक में जीबी नगर थाना पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। जैसे इस बात की भनक आरोपित मुखिया को पता चला कि यदि हम एमएससी पद के लिए हो रहे चुनाव में अपने मत अधिकार का प्रयोग करने जाएंगे तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, जिस कारण वह एमएलसी चुनाव के लिए डाले जा रहे वोट से वंचित रह गया। यहां बताते चलें कि पिछले दिनों मुखिया का दो महिलाओं को बेंत से पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद क्षेत्र के बाहर के भी लोगों में मुखिया के इस कार को लेकर काफी उबाल था। पीड़ित महिला नरहट गांव निवासी किशोर प्रसाद की पत्नी गिरिजा देवी के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला ने अपने आवेदन में कहा है कि वह अपने एक रिश्तेदार महिला के साथ कहीं से आ रही थी। इसी बीच मुखिया व सिसवा गांव निवासी तारकेश्वर सिंह के पुत्र अजय कुमार सिंह उर्फ कमलेश सिंह व नरहट गांव के मंजेश कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ रास्ते में हम दोनों महिलाओं से दबंगई दिखाते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। बाद में मुखिया ने हम दोनों महिलाओं को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर शंभूपुर पंचायत भवन पर लेकर चले आए। मारपीट करने के अलावा मुखिया ने कई जरूरी कागजात भी छीन लिए। जीबी नगर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर श्री अखिलेश कुमार ने बताया कि महिला के आवेदन पर कांड संख्या 8122 दर्ज कर मुखिया व आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की दबिश जारी है। जल्द ही नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की तैनाती देखकर इस बात की जानकारी जैसे ही आरोपित मुखिया को लगी तो वह भूमिगत हो गया, एमएलसी चुनाव में अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सका। जीबी नगर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर श्री अखिलेश कुमार ने बताया कि वरी पुलिस पदाधिकारी से लेकर कनी पुलिस पदाधिकारी तक उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाए हुए थे, लेकिन वह पुलिस दबिश के कारण भूमिगत हो गया, जिस कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि आगे कार्यवाही हेतु न्यायालय की अनुमति की प्रतीक्षा में पुलिस बैठी हुई है। जैसे ही न्यायालय द्वारा अनुमति मिलेगी तो उनके निवास स्थान पर 82 की तामीला करते हुए इश्तेहार चस्पा किया जाएगा। यदि वह इश्तेहार चश्मा के बाद न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कुर्की जब्ती की तामिला की जाएगी। वैसे आरोपित मुखिया की गिरफ्तारी का प्रयास करते हुए संदिग्ध ठिकानों पर लगातार प्रयास जारी है। न्यूज़ इन तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।